हाँ बनारसी का पहले समझ लो क्या है इस पे। सर इसमें पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर सर सिलेंडर अंदर एक बनेगा उसका निकालेंगे, उसका क्यूबॉइड से सिलेंडर का माइनस कर देंगे। क्यूबॉइड का वॉल्यूम 539 आएगा मैक्सिमम। यस सर 539। अच्छा यस ये सर 539 आ रहा है। ऐसे कुछ है ये। ऐसे कुछ है ना। और इसके अंदर आपने क्या करना है, एक सिलेंडर बनाना है। तो सिलेंडर मैक्सिमम कब होगा, जब सिलेंडर मैक्सिमम कब होगा, जब वो सिलेंडर बिल्कुल इसके बिल्कुल जैसे टच करता हुआ निकल आएगा, ऐसे नहीं, ऐसे इस तरह से होगा सिलेंडर। 21.4% will be wasted. ये देखो हाँ, ऐसे कुछ बनेगा नहीं बनेगा, सही बना मैंने। सर मतलब क्यूबॉइड के अंदर से इसकी कार्विंग निकल रही है, उसकी हाँ बॉर्डर क्यों, ही थोड़ी सी उसके जो छोटी हो साइड गई से आप है। उसको काट छाट करके बना रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ तो वेस्ट होगा ना। सर पूरा यस सर। एग्जैक्ट तो हाँ सर नहीं, उसकी शार्प एजेस को सर ट्रिम करना हाँ आपको पड़ेगा। उसको ट्रिम करना है तो भैया कुछ ना कुछ तो काट छाट करके फेंकना पड़ेगा। तो कितना फेंका है ये पूछा उसने। तो ये मैक्सिमम, तो ये तो समझ में आ गई मैक्सिमम कब होगा, बिल्कुल टच करके आप थोड़ा सा बिल्कुल सर्कल जो बनेगा ऊपर वाला सर बिल्कुल हाँ तो है। सर उसके लिए पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम चाहिए, फिर सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए, पर पहले दोनों तो को अगर एक काम, सब्ट्रैक्ट पहले करेंगे तो हाँ सर तो हमें एक वो तो मिलेगा। हाँ तो वॉल्यूम वेस्टेड, तो हम पहले वॉल्यूम वेस्टेड ही निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम वेस्टेड इज ये होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपके पास पहले कितना था, आपने कितना रिटेन किया, सिलेंडर को आपने रिटेन किया और जो बच गया वो आपने वेस्ट कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो आपके पास ऊपर ही है, 7 × 7 × हाइट है 14। यहां से आपको माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर की जो हाइट है ना वो भी 14 ही है, क्यों, क्योंकि यस जो सर, और इसका जो और सर रेड, सिलेंडर का डायमीटर वुड हाँ बी इक्वल टू द साइड ऑफ ये जो है द आपका जो डायमीटर हो यस जाएगा सर वो 7 हो ये जाएगा। सेवन के सेवन तो अगर इसको सेंटर ले लेंगे तो आर कितना लेना पड़ेगा इसका, सर सेवन इसका सर वो थ्री होगा पॉइंट फाइव सर थ्री मीटर पॉइंट सर फाइव वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या था, फॉर्मूला याद करो, यस सर पाई सर पाई आर स्क्वायर पाई एच आर पाई स्क्वायर स्क्वायर एच। एच और एच आपका 14। ये देखो ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, बस इसको कैलकुलेट करके इतना वेस्ट, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ ठीक है। एक काम करूंगा मैं 7 और 7 7 और 7 को मैं कॉमन निकाल, एक और 7 कॉमन निकाल देता हूँ, तीनों 7 कॉमन निकाल देता हूँ। यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 7 7। सर 11 × 49 हाँ नहीं तो ये कितना बचा है, 7 7 7 मैंने कॉमन लिया, 2 2 कट गया तो पाई बाई 2 बचा है, इतना बचा है, सही है कि नहीं। हाँ तो 7 7 7 इसको रहने दो ऐसे ही और इसको लिख दो चाहो तो आप, तो 4 − π/2 इतना वॉल्यूम वेस्ट हो गया, इतना वॉल्यूम वेस्ट हुआ। निकालना क्या था, परसेंट वेस्ट परसेंटेज निकालना था, कितना परसेंटेज वेस्ट है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालने का भैया सिंपल सा फॉर्मूला है। तो परसेंटेज वेस्ट इक्वल टू 7 × 7 × 7 × 2। जिसमें लास्ट में खुला हो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 100, यही क्या ये देखो। तो पढ़ाई नहीं है, मैंने पढ़ा है। माई कौन है सही ठीक है भाई ये देखो
तो ये हो गया 4 माइनस पाई, और ये 2 इधर गया तो 25, तो 25 4 जा 100 माइनस 25 पाई, 100 माइनस पाई की वैल्यू कितनी 3.14 पुट कर देते हैं, है ना, तो 25 × 3.14 इतना ले लेते हैं, 25 × 100 10 25 × 10 35 78.5, तो 78.5 तो कितना आया 21.5, इतना परसेंट वेस्ट हो गया, एग्जैक्ट फिगर सही है। अगर हम सर हम राउंड ऑफ करके अगर पूछा जाए राउंड ऑफ, तो सर हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, क्या लिखोगे सर 22% चलिए तो ये होगा आपका, एक और करते हैं सिलेंडर पे एक क्वेश्चन और लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखने से पहले एक प्रिज्म का भी बता देते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन। अब बात करते हैं पिरामिड्स की। पिरामिड्स भी एक 3-dimensional फिगर होते हैं, ठीक है ना। डिफाइन कैसे करेंगे इसके, इसका एक बेस होगा, पिरामिड का एक बेस होगा, और उसके ये ठीक है ना। अब पिरामिड इज अ सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग, मैं लिख देता हूं पहले, पिरामिड इज अ सॉलिड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ बेस। बेस कोई एक पॉलीगन होगा, बेस आपका पॉलीगन भी हो सकता है, हाँ, टू अ पॉइंट नोन एज वर्टेक्स, ठीक है ना, ऐसे। तो मतलब बेसिकली क्या, एक आपने बेस लेना है, ऐसे बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाऊंगा ऐसे ताकि 3D दिखे वो, ठीक है ना। ये ए, ये बी, ये बेस है आपका, और इसको ना एक वर्टेक्स, इसके बीचों बीच कहीं पर एक पॉइंट होगा, वर्टेक्स ओ रख लूं। अब सारे के सारे बेस के जो भी वर्टेसेस है ना, उन वर्टेसेस को इनसे जोड़ दो, एक ट्रायंगल ये बना और इसको जोड़ देंगे तो एक ट्रायंगल ये बाएं तरफ बनेगा कि ऐसा, ठीक है ना। तो यानी कि ये आपका बेस है, सपोज मैं इसे ये वाला बेस है, ट्रायंगुलर बेस है, और तीन ट्रायंगुलर फेसेस हैं, एक ट्रायंगुलर तो ये साइड में बना हुआ है, यहां से ये एक है ना, एक वो पीछे से दिखेगा आपको, इसको मैं डॉटेड दिखा देता हूं, ये वाला पीछे, और एक यहां सामने से इस तरफ से, 3D फिगर है तो वो ये वाला है मेरे तरफ से, जो बी और सी के तरफ से, ये देखो आपको, ये आपका पिरामिड है, ठीक है ना। तो बेस तो लाल वाला हो गया, और ये जो मैंने तीन बनाए हैं, एक ये है, एक ये, और एक ये बिल्कुल मेरे सामने बी सी वाले पे है, तीन ये आपके
ट्रायंगुलर फेसेस या सरफेसेस है, इस तरह का प्रिज्म होता है। सर सर क्या पिरामिड का बेस हमेशा ट्रायंगल ही रहेगा? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बेस जो है ट्रायंगल था इसलिए इसका नाम हो गया ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है ना, ये ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। और अगर बेस अगर कुछ और होगा तो अकॉर्डिंगली, एक मान लो सपोज मैंने एक पेंटागन ले लिया, हाँ एक दो तीन चार और ऐसे मैंने पेंटागन ले लिया, पांच ट्रायंगल, हाँ सेंटर होता है, सेंटर ऑफ मास, फिजिक्स में पढ़ते हो सेंटर ऑफ मास, सेंटर इनटू हाइट हो जाएगा, कोई और ऐसे रैंडम पॉइंट नहीं हो सकता। बिल्कुल हाँ, सेंटर मतलब उस पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर गिराओगे उसको बिल्कुल सेंटर पे गिरेगा, मतलब कहने का मतलब ये। तो देखो इसके फेसेस बना रहा हूं, एक फेस तो ये पीछे हो गया ट्रायंगल, दिख रहा आपको फेस, है ना, एक फेस तो ये बना जो बिल्कुल सामने दिख रहा है, एक फेस अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो ये बी सी पे एक फेस बनेगा, ये यहाँ पर बी और सी पे एक फेस बनेगा, इसको जोड़ दूंगा तो ये डी और सी पे एक फेस बनेगा, है ना, थ्री डी फिगर है वैसे ही देखना पड़ता है इसको। और अगर मैं ए ई को जोड़ दूंगा तो ये एक फेस ये बनेगा ऐसे करके, और एक यहां से दिख नहीं रहा आपको है ये वाला, ये साइड में यहाँ एक ये वाला जो दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है, यहां खड़े होगे तो दिखेगा आपको, तो टेंट टाइप का ही लग रहा है टेंट। यस सर, यस सर, ये टेंट भी बोल सकते हो उसको। सर इनके साइज एग्जैक्टली सेम होते हैं क्या? क्या चीज बच्चे? सर इनके साइज एग्जैक्टली सेम होते हैं क्या? बताता हूँ, अभी बताता हूँ, ये हो गया रेगुलर वाले में सेम हो जाएगा, इररेगुलर होगा तो सेम। सर इसका सर इसका शेप बहुत अजीब है, मतलब नीचे से स्टेबल तो है पर बहुत अजीब शेप है, 3D फिगर बच्चे बनाने से एक पॉइंट पे आके मिल रहा है सेंटर पे और वही उसका सेंटर ऑफ द 2D शेप है। ना ना वो सेंटर वो नहीं है बच्चे, वहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहां से ना इस वाले O पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जिस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर होगा ना वो सेंटर ऑफ द ABCDE और इसी को हाइट बोलेंगे हम लोग, जो मैंने तो ये पेंटागोनल पिरामिड हो गया। उसी तरह से हेक्सागोनल पिरामिड होते हैं, उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल, ये भी ट्रायंगुलर फेस है? नहीं बच्चे ये पेंटागोनल प्रिज्म हो गया, पिरामिड सॉरी, इसका बेस पेंटागोनल। तो सर इसके जो फेसेस हैं वो ट्रायंगुलर हो गए ना? और पिरामिड के फेसेस हमेशा ट्रायंगुलर होंगे, ठीक है ना, अगर 20 साइड भी ले लोगे तो 20 ट्रायंगल्स बन गए। अगर ट्रायंगुलर नहीं होगा तो सर फिर कोई और ही शेप बन जाएगा। हां नहीं होता है वो भी खास, वो खास टाइप का पिरामिड होता है भाई, उसे सर्कुलर पिरामिड भी बोलते हैं, ऐसा भी होता है, सर्कुलर पिरामिड भी होता है भाई। हां सर पर बहुत सर ट्रायंगल फिक्स नहीं रहता, फिर उस केस में उस केस में ट्रायंगल नहीं बनेंगे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, कोन बनेगा? कोन बनेगा यस, तो कोन इज अ सर्कुलर पिरामिड। एक बात मुझे तो ये बताओ, पॉइंट सर तीन पॉइंट कोई भी ले लिए सर्कल पे और उसको जोड़ दिया बन गया कोन। मुझे ये बताओ सर्कल के कितने साइड्स होते हैं? सर इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बने हैं, इनफाइनाइट सर, इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बने सर, सही है ना, इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बनेंगे, ये आपका बेस है, सर्कल है इसलिए सर्कुलर पिरामिड हो गया। और इसके लिए एक खास नाम है, क्या बोलते हैं इसको? कोन, 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 ठीक है ना। अब इसके फॉर्मूले, अब इसके फॉर्मूले लिखते हैं, क्या क्या इसके फॉर्मूले आपको लिखने हैं? कोन के पिरामिड नहीं, पिरामिड के फॉर्मूला जो लिखवा रहा हूं मैं, पिरामिड के लिखवा रहा हूं मैं। पहला हम लेटरल सरफेस एरिया LSA निकालेंगे,
लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना, मतलब ट्रायंगल्स की एरिया। तो ये हमेशा होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। याद रखिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा स्लांट हाइट क्या होती है, हाइट और स्लांट हाइट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। डायगोनल्स और स्लांट हाइट में सर क्या फर्क होता है? डायगोनल्स तो बच्चे बताता हूँ अभी आपको, स्लांट हाइट क्या होती है, डायगोनल सर उनके एंगल में से वो भी सर एक स्लैंटिंग लाइन ही होती है। अभी रुक जाइए, पहले मैं फॉर्मूला लिख लो फिर मैं बताता हूँ, फिगर बनाना पड़ेगा एक, उस फिगर में समझा दूंगा सब कुछ, ठीक है ना। एक क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म बनाए, पिरामिड बनाएंगे उसमें समझा दूंगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ होता है LSA एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ बेस। कितने बेस है यहाँ पर? केवल एक बेस है, जो बेस है उसी सर, वही तो सर, एरिया ऑफ सर्कल इनटू, अगर सर्कल है तो सर्कल, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, अगर जो भी है। वॉल्यूम क्या होता है इसका? वन थर्ड ऑफ एरिया ऑफ बेस। सो वन थर्ड क्यों? इनटू हाइट, फॉर्मूला है इनटू हाइट ये। अब ये दो चीजें हैं, यहां पर हाइट है, यहां पर स्लांट हाइट है, ठीक है ना, स्लांट हाइट। अब ये दोनों में अंतर समझो। हाइट परपेंडिकुलर, देखिए हाइट एंड स्लांट हाइट, मैं अभी आपको ये फॉर्मूला प्रूव भी करवाऊंगा। मैं एक वो ले लेता हूँ, कौन सा वाला पिरामिड ले लूँ, एक क्वाड्रिलेटरल वाला पिरामिड ले लेता हूँ, है क्वाड्रिलेटरल पिरामिड। तो ऐसे बनाया मैंने, ये आप में क्वाड्रिलेटरल पिरामिड सही नहीं बन रहा है, सीधे ही बनाओ हटाओ। ठीक है ना, ये आपका वो वर्टेक्स है, चारों ट्रायंगल विजिबल होने चाहिए, चारों ट्रायंगल विजिबल होंगे, ठीक है ना। ये आपका बेस हो गया, ए बी सी डी आपका बेस, सही है। अच्छा इनकी लेंथ देखो, इसकी लेंथ मान लो ए है, इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ सी है, इसकी लेंथ डी है, ठीक है ना। बेस चारों बेस के, बेस को मैं लाल कलर से डॉट कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा अब यहां पर देखो, साइड में जो आपको दिख रहे हैं ट्रायंगल्स हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि LSA क्या होगा, LSA क्या होगा, एरिया ऑफ फोर ट्रायंगल्स, क्यों भाई? यस सर, यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ODC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, क्यों भाई? यही तो होगा ना, चारों ट्रायंगल का एरिया ही तो होगा भाई, है नहीं? भैया एक बाएं तरफ से एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, इस एरिया को निकालूंगा, दाहिने तरफ से ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, और पीछे से आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये जो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है पीछे से, ये बिल्कुल ये पूरा ये वाला ये, और एक सामने से दिख रहा है, तो सामने से दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है ODC, ठीक है ना। अलग अलग इसको मैंने शेड करके दिखा दिया आपको, 3D फिगर है, है ये देखो। अच्छा अब चारों चारों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बताओ, जब मैं OAB का एरिया निकालूंगा तो क्या होगा? हाफ बेस OAB, बेस C इनटू, इसकी एक हाइट होगी,
वो जो ओ ए बी होगा उसकी हाइट क्या होगी? ओ ए बी, ट्रायंगल सिर्फ ओ ए बी को देखना भाई, ट्रायंगल ओ ए बी, इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी है, ये वाली होगी यहां पर, इसको जोड़ दो अगर आप, एल प्लस दूसरा ट्रायंगल का एरिया देखो हाफ, इसका साइड वाले का ले लेते हैं ओ ए डी, तो इसका बेस डी है। अच्छा इसकी हाइट क्या होगी भाई? ट्रायंगल का यहां से मैं अगर इसके सेंटर पे अगर जोड़ दूं, ये हाइट होगी आपकी, ये वाली, ये भी एल है, ठीक है? नहीं प्लस हाफ प्लस L. उसी तरह से फिर हाफ ऑफ, सर दोनों हाइट सेम है? हाँ, ये जो बेस लिया मैंने रेक्टेंगल लिया ना, स्क्वायर लिया हुआ है, नहीं जो भी लिया है, मतलब जो भी लिया है सर, वो क्वाड्रिलेटरल, सर क्वाड्रिलेटरल लिया है, क्वाड्रिलेटरल लिया है मैंने, पैरेललोग्राम फॉर एग्जांपल सर, बस क्वाड्रिलेटरल। हाँ तो उसमें सब कवर हो जाएगा सर, सिमेट्री नहीं, रेक्टेंगल सिमेट्री, जो आपका जो ओ है ना वो बिल्कुल बीचों बीच होगा ना, तो सारे एल इक्वल होंगे, है ना? तो तीसरा वाला ऐसी तरह समझ गए ना, बी इंटू एल, और चौथा वाला हाफ ऑफ डी इंटू एल, डी तो मैंने ले लिया, क्या बचा सर? हाफ एल, 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 ये बच गया। अच्छा यहां से अगर मैं इसको हाफ ले लूं, एल को बाहर निकाल दूं ऐसे करके, अंदर क्या बचा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो क्या बन गया ये? हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस बनना, नहीं बना देखो क्यों भाई? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा? पेरीमीटर बेस होगा कि नहीं होगा? यस सर। और ये एल क्या है? स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट का मतलब समझे आप? स्लांट हाइट का मतलब यहां से कुछ समझ में आया कुछ? यस सर। क्या? यस सर, वो थोड़ा सा मतलब बेंट है। नहीं बेंट तो ही है लेकिन सर ट्रायंगल सेंटर से जो हाइट बनती, yes, line, जो height बनी वो slant height है। Line joining the midpoint of the edge to the vertex. Line joining the midpoint of the क्या? Edge of base. So the midpoint of the vertex or edge of, so vertex to the vertex. ये हुआ देखो आपका स्लांट टाइप। इसको मीडियन भी तो कहते हैं। इसको हाँ, मीडियन। बिल्कुल सही बात है, इसको हम बोल सकते हैं मीडियन, जो साइड वाले ट्रायंगल्स है ना उनका मीडियन। मैं इसको बॉक्स में लिख देता हूँ लोगों को, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। तो मीडियन ऑफ जो ट्रायंगुलर फेसेस हैं, ट्रायंगुलर फेसेस जो साइड में वर्टिकल फेसेस हैं उनका जो मीडियन ही तो है ना, मिड पॉइंट को तो जोड़ रहा भैया, ये मिड पॉइंट को अगर जोड़ेगा तो मीडियन ही तो कहलाएगा, तो सही तो बोल रहे हैं ये आपका सर। हां सर, यस सर, ठीक है ना? अब क्योंकि सर जिसमें, हां सर, ट्रायंगुलर वाले में एल्टीट्यूड होगा ना प्लस मीडियन, दोनों फॉर्म हो जाएगा। ट्रायंगुलर वाले में एल्टीट्यूड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। हम लोग यहां मिड पॉइंट क्यों ले रहे हैं भैया? जब एरिया मिड पॉइंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नहीं मिड पॉइंट नहीं, बेसिकली बेसिकली वो परपेंडिकुलर है बेसिकली, ठीक है ना? मीडियन तो yes, मीडियन तो वो सिमेट्री की वजह से बन, मतलब ये मैंने जो जो लिया है ना वो स्क्वायर लिया है तब वो लग रहा है ऐसा, लेकिन मीडियन ना बोल के बेटर वर्ड क्या रहना चाहिए? मीडियन बोल सकते इस सिचुएशन में बोल सकते हैं, लेकिन जनरल सिचुएशन में हम क्या बोले इसको? कोई बेटर वर्ड अल्टीट्यूड बोलो। अल्टीट्यूड क्योंकि ऐसे ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं जहां पर ये जो बेस है ना ये स्क्वायर नहीं होगा, ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है दूसरा, उस केस में एबीसीडी सारे अलग अलग होंगे, है ना? सर स्लैंट वाले में परपेंडिकुलर होना चाहिए डायगोनल। हाँ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो ये वाली भैया जब एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बताओ। आप एक काम करो, ये जो ओ ए डी है ना, आप ओ ए डी को अलग बनाओ तो जरा, अब अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो ट्रायंगल है ना ओ ए डी वाला जो ट्रायंगल है, जरा इसको अलग से बनाओ। आप बना दिया मैंने ओ ए डी, ये लेंथ डी है,
ये लेंथ डी है, देखो मैंने मार्क किया डी। अब ये बताओ इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? सर बेस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू। हाइट क्या होगी? एडी और ओडी। ये हाइट क्या होती है सर? हाइट होगी ओडी और परपेंडिकुलर होती है। तो ये एल को हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए साइड पे। ये जो एल होगा इसको साइड्स पे हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस खास सिचुएशंस पे ये इक्वल थे इसलिए मैंने मीडियन बोला, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट हो ये जरूरी नहीं है अगर हम जनरल बात करें उसकी। अच्छा पिरामिड भी दो टाइप के होते हैं, एक राइट पिरामिड होता है और एक ओब्लिक पिरामिड होता है। ओब्लिक पिरामिड का मतलब पता क्या, ये तो वर्टेक्स है ना बिल्कुल मिड पॉइंट पे ना हो, वर्टेक्स थोड़ा खिसका हुआ हो तो वो ओब्लिक पिरामिड हो गया। उस केस में फिर ये है ना फिर मीडियन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये राइट पिरामिड है, सुनिए राइट पिरामिड है तो फिर ये मीडियन भी होता है, ठीक है ना। तो ये था क्या मेरा, ये मेरा क्या था मेरा, मैंने LSA बताया आपको, यानी कि हाफ ऑफ पेरिमीटर ऑफ द बेस इनटू स्लांट हाइट। दूसरा क्या बचा इसमें? TSA का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। TSA के लिए तो आपने करना क्या, आपने LSA निकाला हुआ है, निकालना ही है उसको ऑलरेडी, और इस पे आपको एरिया ऑफ बेस ऐड कर देने हैं, जो भी बेस होगा उसके एरिया को निकालना है और ऐड कर देना है। तीसरा वॉल्यूम, सर वॉल्यूम क्या, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इनटू हाइट। ये वाली कौन सी हाइट है, ये वाली हाइट भी समझ लेते हैं, ये कौन सा सेंटर से परपेंडिकुलर सब ड्रॉप करेंगे। हाँ ये जो हाइट है, ये हाइट है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन बेस फ्रॉम दी वर्टेक्स टू द बेस, बेस वाला जो सरफेस है उसके ऊपर, ठीक है ना। अच्छा इसी तर्ज पर स्लांट हाइट को भी डिफाइन करते हैं, रुकिए हाँ, दोनों को एक ही वे में डिफाइन करेंगे तो याद करना आसान रहेगा। तो स्लांट हाइट को भी हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के ही टर्म्स में डिफाइन कर देते हैं। लिखो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द एजेस ऑफ द बेस, ऐसी जैसा लिखा यहां वैसी, क्या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू, जो पहले आपने डेफिनेशन लिखा थी वो गलत है, वो भी ठीक है क्योंकि मैंने नीचे जैसा लिखा है ना उसी तर्ज में, वो गलत नहीं, वो भी मैंने वो भी लिख दी थी, कोई बात नहीं, साइड में उसके नीचे मैं बॉस बना के ऐसा लिख लूंगा। टू द एजेस ऑफ द बेस, वर्टेक्स फ्रॉम द वर्टेक्स टू एजेस ऑफ द बेस, ठीक है ना। ये लो इसके साथ साथ इसको भी ऐड कर दो, मिटाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। Yes, यानी कि अगर आपको स्लांट हाइट चाहिए तो एजेस पे परपेंडिकुलर गिराओ, और अगर आपको हाइट चाहिए तो सरफेस पे, जो बेस जो सरफेस है ना जो फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराओ तो आपको हाइट मिल जाएगी। मेरे ख्याल से अंतर क्लियर हो गया होगा सर। मतलब स्लांट हाइट होता है जो एजेस होता है, एजेस पे परपेंडिकुलर, बच्चे एजेस पे जो परपेंडिकुलर गिरेगा, देखो मैं एक और दिखा देता हूँ, इस बार ध्यान से देखना। ट्रायंगुलर लेता हूँ, एक ट्रायंगुलर ले लेता हूँ सर। एक बार स्लांट हाइट की सर डेफिनेशन दिखा दीजिए सर, कॉपी कर रहे हैं। एक मिनट को पहले मैं इसको क्लियर करूँ फिर आपको दिखा दूंगा। हाँ ये देखो आपका बेस है, ये बिल्कुल इसके जहां पर मिड पॉइंट होगा ना ये ट्रायंगल का मीडियन, उसके बिल्कुल ऊपर ओ होगा आपका, एक ट्रायंगुलर ये बना, एक ट्रायंगुलर ये बना, और एक ट्रायंगल मेरे तरफ है जो दिख रहा है, तीन ट्रायंगल, ठीक है ना भाई। देखिए अगर मैं वर्टेक्स से ये जो ट्रायंगुलर सरफेस दिख रहा है आपको,
इस पर परपेंडिकुलर गिरा हूं ट्रायंगुलर सरफेस पे, ये परपेंडिकुलर जो गिरेगा ये जो परपेंडिकुलर गिरा ये आपकी ये आपकी हाइट कहलाएगी। और अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊं किस पे, साइड्स पे गिराऊं, एजेस पे, ये भी परपेंडिकुलर होगा लेकिन एजेस पे, ये जो होगी ये स्लांट हाइट होगी। कितने स्लांट हाइट होगा सर? मतलब हाइट जो होगा वो मिडिल में गिरेगा। हाँ ट्रैक सरफेस बेस के कहीं मिडिल में गिरेगा, बिल्कुल मिडिल में। एंड स्लांट हाइट एजेस पे, तो कितने स्लांट हाइट बनेंगी सर? जितने फेसेस होंगे उतने स्लांट हाइट बनेंगे। अच्छा अगर ये थ्री स्लांट हाइट्स, हाँ लेकिन सुनो, अगर ये एक राइट पिरामिड होगा, राइट पिरामिड हुआ तो ये सारे स्लांट हाइट इक्वल होंगे। और अगर ये कोई ओब्लिक हुआ, ओब्लिक का मतलब पता क्या होता है कि ये जो है ना हाइट, ये जो लाइन है जो ये वाली है, ये बिल्कुल इसके ऊपर नहीं, कहीं साइड में हो, टेढ़ा सा पिरामिड, मतलब साइड से एक, हाँ, एक सर, है ना, हाँ सर, रेक्टेंगुलर पिरामिड हो गया ये, सर डायगोनल काइंड ऑफ, हाँ मतलब ये समझ लो अब जूते का डब्बा नहीं होता, उस पर खड़े हो जाओ तो शेप बदल जाती है उसकी। Yes, sir. ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया सर, एकदम श्रिंक हो जाता है, लगता है पिचक गया पूरा, पिचक गया समझ लो, मतलब अगर हम बनाएं तो ऐसा कुछ समझ लो, पिचका हुआ समझ लो, बिल्कुल डिस्टर्ब ऐसे था ये, लेकिन वर्टेक्स ने यहां बना दिया, एक्चुअल में यहां होना चाहिए था वर्टेक्स, उसने यहां बना दिया वर्टेक्स। ऐसे सर ओब्लिक पिरामिड के केस पे हाइट बेस से बाहर भी हो सकती है? नहीं बच्चे, हम जो हम पढ़ेंगे ना, जिस फॉर्मूले को हम पढ़ते हैं, हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म पढ़ते हैं, ये ओब्लिक प्रिज्म के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसके लिए फॉर्मूला नहीं होता, इसके लिए फिर हमें तोड़ तोड़ के करना पड़ता है, ठीक है ना। ओब्लिक प्रिज्म इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि इसके सारे एल अलग अलग होंगे, नहीं होंगे बताओ, इसके सारे अलग अलग होंगे, तो जब सारे एल अलग होंगे पिरामिड होगा, प्रिज्म थोड़ी ना होगा। हाँ पिरामिड बच्चे, वही पिरामिड, ओब्लिक पिरामिड, ऊपर भी मैंने ऊपर भी पिरामिड कर दो है, क्लियर है? हाँ तो yes. अभी आप लोगों को जो पढ़ना है वो रेक्टेंगुलर पिरामिड, ठीक है ना। अच्छा कोई आपसे पूछे कि भैया रेक्टेंगुलर पिरामिड और ऑब्लिक पिरामिड में क्या अंतर है, आपको सिर्फ ये जवाब देना है, अगर एल सबका सेम है तो वो रेक्टेंगुलर पिरामिड है, अगर एल डिफरेंट, एल मतलब स्लांट हाइट, अगर सारे जो फेसेस हैं उनकी स्लांट हाइट अलग अलग आ रही है तो वो ऑब्लिक पिरामिड है, अगर सबकी एल सेम आ रही है तो वो रेक्टेंगुलर पिरामिड है, ठीक है कि नहीं? बस इतना आपके लिए काफी। पिरामिड और सर पिरामिड और प्रिज्म में क्या डिफरेंस है? बच्चे अभी क्या पढ़ा हो? सर प्रिज्म में दो बेस होते हैं, पिरामिड में एक होता है। यस सर। हाँ ये अंतर है बस। लेट ज्वाइन क्यों हो क्या? ठीक है ना? हाँ अच्छा देखो ये ना, ये ऐसे करके कुछ इसका बना है, देखो एक मिनट के लिए ना, जैसे ये आपने ये पिरामिड आपने पिरामिड बनाया, यहीं पर से ज्वाइन करना होगा? नहीं इसको खत्म करेंगे इसी में। देखो अगर मैं क्या करूं, हाँ सर टाइम कम बचा सर, अगर मैं इसको ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेच कर दूं ऐसे, क्या बोल रहे हैं सर? ये प्रिज्म बन गया सर, ये प्रिज्म बन गया, ये एक प्रिज्म बन गया, तो यानी कि ऐसा नहीं लग रहा कि सर प्रिज्म के अंदर पिरामिड एम्बेडेड है? हाँ ऐसा नहीं था, उसी की तरह है, ऐसा नहीं लग रहा है कि भैया जो बाहर से जो एक प्रिज्म था उसको ऊपर वाला जो सरफेस है वो छील दिया, खोखला कर दिया, खोखला कर दिया उसको, अलग से यहाँ वाला काट के फेंक दिया,
यहाँ वाला काट के फेंक दिया और थोड़ा सा जो मेरे तरफ वाला हिस्सा है उसको काट के फेंक दिया। तो ये जो जो फेंके है ना इस ये जो 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 बचता है ना ये पूरे का 1/3 होता है। इसीलिए आपने देखा होगा इस फॉर्मूले में 1/3 लगा हुआ है। वॉल्यूम देखो यस सर 1/3 होगा कि 2/3 होगा यस 2/3 जो बचेगा जो बचेगा जो काटने के बाद बचेगा वो 1/3 होगा। सर आप शेविंग्स की ना बात करके आप मेन की बात कर रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ कि जो एरिया में मेरे 1/3 आपने किसने पूछा था ना मुझे कि ये सारा 1/3 क्यों हो गया जब हम प्रिज्म पढ़ रहे थे। वॉल्यूम देखो प्रिज्म का हाँ सर मैंने ही पूछा था एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट लिखा हुआ है। हाँ सर और यहाँ पर मैं जब पिरामिड पढ़ रहा हूँ तो 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट लिख रहा हूँ। तो ऐसे ही एक प्रिज्म को काट साइड से ऐसे काट छाट के ठीक है ना और सिमेट्रिकली काटा है उसको क्योंकि आपको रेक्टेंगुलर चाहिए बराबर काटा है। एक हिस्सा कटा दूसरा हिस्सा कटा तीसरा हिस्सा कटा उनको अलग कर दिया जो बचेगा वो पूरे का 1/3 होगा। तो सर कुल मिला के सर पिरामिड इज 1/3 ऑफ द प्रिज्म। यस बिल्कुल बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं। आपको मालूम है किसी भी सरफेस को अगर हम तोड़ते हैं तो उसका एरिया बढ़ता है घटता है? सर घटता है भाई उसका एरिया बढ़ जाता है बच्चे एरिया तो बिल्कुल अलग सरफेस एरिया बढ़ जाता है। हाँ और वॉल्यूम कम वॉल्यूम कम हो जाता है। नहीं बच्चे वॉल्यूम सेम रहता है वॉल्यूम नहीं चेंज होता है वॉल्यूम सेम रहता है। सर प्लीज आज का लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है किस में रखे क्या उसमें यूट्यूब में? यस सर। अच्छा तो चाहिए आप लोगों को इसके यस दीजिएगा। चलिए मेंसुरेशन का फोरा शुरू से डाल दूंगा इसको। ओके यस सर। ठीक है भाई तो ये इतना है। अब ये हमारा अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से दबा के। हाँ अगर एन साइडेड पॉलीगन है रेक्टेंगुलर पिरामिड तो सबकी एल सेम होगा सब। हाँ अगर वो रेक्टेंगुलर पिरामिड है तो एल सबका सेम होगा। और चाहे पॉलीगन कितने भी साइड का हाँ कितने भी साइड तो सर मेन पिरामिड का जो सर मैक्सिमम जो एरिया और सब होता है सर मैक्सिमम उसके बेस से रिलेटेड होता है। सब कुछ बेस से रिलेटेड। अगर बेस फिक्स नहीं रहेगा तो सर कुछ बेस चेंज कर दोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन रेक्टेंगुलर पिरामिड जैसे आपने बच्चा पूछ रहा है आप अभी कि रेक्टेंगुलर पिरामिड का डेफिनेशन ही है कि सबकी एल सेम हो और ऐसा तभी सर, होगा। अगर सर एक चीज पूछनी है सर अगर हम बेस को जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर से चेंज करेंगे तो सर उसकी वजह से एरिया कितना टाइम्स उसका बढ़ जाएगा। जैसे आपने पहले क्वेश्चन पूछे थे कि अगर इसको चेंज करेंगे तो मतलब इसका अगर, कितना मतलब कि अगर आप बेस के लेंथ को चेंज कर रहे हैं बेस की लेंथ बढ़ा दें हाँ, करेंगे तो सर कितना उसका ऐसा कोई फार्मूला नहीं कितना बढ़ जाएगा फार्मूला नहीं है वो तो सर साइड्स पे डिपेंड करेगा कितने साइड्स होंगे बेस के पहले कितना था उस पे डिपेंड करता है। ओके सर ठीक है ना वो सब डिपेंड करेगा कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। सर रिजॉइन करना है? नहीं रिजॉइन नहीं करेंगे इतना ही कर दो। लिख के आ सर लेस देन अ मिनट लिख के आ रहा ऊपर से। ठीक है चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर बाय सर थैंक यू।